हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करना पड़ा और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार जांच लाखों की संख्या में कराने हेतु तैयार है। कोरोना के उपचार के लिए बेड की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुँचाया गया और क्वारंटाइन सेंटर में उनकी जाँच भी कराई गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। होम क्वारंटीन से जो हमको इन्फॉर्मेशन आता है हमारे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर से और निगरानी समिति द्वारा, वो काफ़ी अच्छी सूचना आती है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह का पूरा डिटेल लेके वो हमारे पोर्टल पर डे टू डे लोड करते हैं और उसका भी हम उसको समीक्षा करके उसके हम क्वारंटीन वो कराते हैं, उसका सैम्पलिंग कराते हैं जैसे उनका सुझाव होता है। तो इन सारी चीज़ों से लेके हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो अभी, और ये तो हम जितना भी हो सकता है हमारे जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम इतना सैंपलिंग कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक हमारा 2 से 3 हज़ार और बढ़ेगा हमारा सैंपलिंग की जो RT-PCR मशीन हमारे आ रहे हैं। एक कोबाच मशीन आ रहा है जो जून के पहले हफ्ते तक उम्मीद है कि विदेश से आएगा, तो उसमें 4-5 हज़ार और बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्च से लेके अभी 3 महीने के अंदर मई तक जितना जल्दी उत्तर प्रदेश ने व्यवस्था करके अपने टेस्टिंग लैब को बढ़ाया है उतना जल्दी किसी ने किया। बहुत जगह लोग तो पहले से ही रहा होगा, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने इतने जल्दी 3 महीने के अंदर सारी व्यवस्था करके हमने उसको बढ़ा दी है। भविष्य के लिए हमने ये भी किया है कि 6 मंडलों में हमारा टेस्टिंग लैब का तैयारी की है, जो हमारे जिला चिकित्सालय पर या मंडलीय चिकित्सालय पर हमारा लगेगा उसका कार्रवाई भी हमने शुरू कर दिया, उसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। तो 6 मंडल पर उम्मीद करते हैं कि 15-20 दिन या महीने के अंदर वहाँ भी हमारे कुछ भविष्य के लिए भी वो लैब हमारे स्थापित हो जाएंगे। आगे के लिए भी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने कुछ हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणा किया था और 22 जनपदों में हम एक प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं जहाँ हमारा पूरा एक ब्लॉक बनेगा अलग से और अत्याधुनिक हम वहाँ पर संचारी रोग से जुड़े हुए तमाम रोग का हम